सरोज पीर को पार्लियामेंट के इलेक्शन के ताल्लुक से जो पुलिंग हुई और जिस तरीके से मालेगांव के शहरियान ने और वोटर्स ने पोलिंग में हिस्सा लिया जोश व खरोश के साथ और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, सबसे पहले तो हम हमारी तंजीम के ज़रिए से और हमारी उम्मीदवार मोहतरमा डॉक्टर शोभाताई बच्छाव के जानिब से तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए, महसूस करते हुए, मुल्क के हालात को महसूस करते हुए इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। और यहाँ पर हमारे कांग्रेस की जो उम्मीदवार है डॉक्टर शोभाताई बच्छाव जी, वो भी हाजिर है। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन्हें सपोर्ट देने से पहले मालेगांव के जो शहरी मसाइल हैं, बिलखसूस मालेगांव पावरलूम इंडस्ट्री के ताल्लुक से और साथ ही साथ मालेगांव में कई अनऑर्गेनाइज्ड जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे प्लास्टिक मोल्डेशन की इंडस्ट्री है, इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो घरगुती उद्योग है, यहाँ की महिलाएं जो है अपने घरों में इमलियाँ फोड़ती है और प्लास्टिक के जो कारखानों में जाकर काम करती है, इनको जो है आरोग्य की समस्या होती है बहुत बड़ी। साथ ही साथ जो यहाँ के लूम के वर्कर्स हैं, इनको भी जो है हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। तो जहाँ पर पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो कुसुम परसी का शिकार है, वहाँ पर जहाँ पर उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, वहीं पर यहाँ इस इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूरों की भी हेल्थ इशू है और मैडम खुद डॉक्टर है, तो इनके चुनकर आने के बाद कोई ऐसा यहाँ पर हेल्थ सेंटर कायम किया जाए जो ये तमाम इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हमारी ख्वातीन वर्कर्स बोलो या मर्द वर्कर्स बोलो, इनके इलाज का और इनके ट्रीटमेंट का जो है वो यहाँ पर माध्यम बन सके। इस बुनियाद पर हमने उनकी जो है वो वोटिंग में इलेक्शन में जो है सपोर्ट किया था और आज हमारे को ऐसा लग रहा है कि 4 जून को इंशाल्लाह जो है वो डॉक्टर शोभाताई बच्छाव जो हमसे बहैसियत धुले मालेगांव के एमपी के मिलने आएंगी और जो उन्होंने हमसे वादा लिया है वो इस चीज़ को पूरा करेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मैडम को खूब ज़्यादा ओटों से कामयाब करे। और शोभाताई बच्छाव हमारे पास आई, हमने पहली मीटिंग लिया था बुनकर और मिल्ली तंजीमों के और सरकर्दा अफराद की और हमने पहला कोई मुतालबा नहीं करते हुए शब्बीर डेग वालों को हमने कहा था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि शोभाताई बच्छाव हम आपका सपोर्ट करते हैं बिना मुतालबा, कोई पैसा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, जब आप जीत के आ जाएंगे उसके बाद हम हमारी बात रखेंगे। और हमने अमरेश भाई पटेल और कुणाल पाटिल का भी इलेक्शन लड़ा था मगर उन्होंने इलेक्शन के बाद कहीं नहीं शुक्रिया अदा किया। मैं शोभाताई बच्छाव का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आकर मालेगांव शहर में सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारी माँ बहनें नौजवान बच्चे धूप देखी ना भूख सिर्फ वोट देने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर लाइन लगा के गए, उन सब का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आप लोग ने पूरे हिंदुस्तान के कौम के लिए और पूरे इसको हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों के लिए आपने ये जज्बे से वोट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी बात भी आपने कही थी कुछ, मैंने ऐसा कहा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे मुलाकात करने का बोल रहे थे कि हम तो आप एक ऑफिस यहाँ मालेगांव शहर में खोल देना ताकि हम हमारे मसाइल यहाँ पर आपको आकर बता सकें। इलेक्शन से कबल मेमन समाज और समस्त मेमन जमात मालेगांव के जिम्मेदारान ने एक मीटिंग का इनेकाद किया था जिसमें आज तक की तारीख में मेमन समाज ने पहली मर्तबा किसी कैंडिडेट की खुलकर ताईद व हिमायत का ऐलान किया मुल्की हालात के मद्देनज़र। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और कोशिशों से इस इलेक्शन में मेमन समाज की जानिब से भी मेहनतें की गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे उसके वोटिंग परसेंटेज मालेगांव के रहे। आज इलेक्शन के बाद शोभाताई मेमन जमात की ऑफिस पर आई,
मेमन जमात का शुक्रिया अदा किया और हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि इलेक्शन होने के बाद भी कैंडिडेट जब यहाँ पर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आता है तो ये इस बात की ज़मानत है, इस बात की तरफ इशारा है कि इंशाल्लाह मालेगांव की जानिब खुसूसी तवज्जा मुस्तकबिल में भी उनकी रहेगी और मालेगांव की आवाम को ये चीज़ का एक भरोसा इस बात से हुआ जिस तरीके से शोभा आई तमाम जगह जिन जिन लोगों ने उनके इलेक्शन में मेहनतें की उनके शुक्रिया अदा किए जाकर, तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मालेगांव की आवाम को महरूम नहीं किया जाएगा और निराश नहीं किया जाएगा, इंशाल्लाह उनकी जानिब खुसूसी तवज्जा दी जाएगी। हम तमाम जिम्मेदारान आज यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी मेमन समाज का शुक्रिया अदा किया और तमाम जिम्मेदारान की जानिब से उनको भी इजहार तशक्कुर पेश किया गया। बिल्कुल लग रहा है, इसलिए कि यूथ का जोश पोलिंग वाले दिन बहुत नज़र आया, हर बूथ पर यूथ नज़र आया और आज भावी खासदार डॉक्टर शोभा ताई बच्छाव से हमने कहा कि मैम वोट लोग पहली बार मोहब्बत में देते हैं, दूसरी बार काम की वजह से देते हैं। पहली बार हमने आपको मोहब्बत में वोट दे दी दिलवाई और आपके काम इतने होना चाहिए कि लोग काम की वजह से आपको अज खुद वोट दे। मेमन समाज एक बिजनेस वाला समाज माना जाता है, राजनीति से दूर ये समाज होता है, लेकिन चूंकि हमने भी इस मरतबा आगे आकर के पहल की और डॉक्टर शोभा ताई बच्छाव की एक मीटिंग लेकर, और वो मीटिंग भी इतनी बड़ी रही कि वो मीटिंग जलसा नुमा रही, उस मीटिंग से हमने शोभा ताई बच्छाव की हिमायत की और मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने ये जुमला कहा था कि मैडम हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, हम आपसे कोई काम का मुतालबा नहीं करते कि आप ये काम करो, आप ये डिमांड करो, हमारी ये डिमांड है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि बग़ैर डिमांड के, बग़ैर किसी मुतालबे के आपको हिमायत दी जाए और पहले तन मन धन से हम आपका काम करेंगे, आपको जिताएंगे और 4 जून के बाद जब आप एक खासदार के रूप में हमारे पास आओगी तब हम आपसे काम का मुतालबा करेंगे, तब हम लेकर के बैठेंगे कि मालेगांव में किस काम की क्या ज़रूरत है। आज डॉक्टर शोभा ताई बच्छाव ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जहां शहर के लीडरान का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर समस्त मेमन जमात मालेगांव से मुतासिर होकर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी यहाँ पर पहुँची है। हमने उनके शुक्रिया पर हमने उनका शुक्रिया लिया, उन्हें मुबारकबाद पेश की कि अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब आप एक खासदार के रूप में भी मालेगांव शहर में आओगी। समस्त मेमन जमात मालेगांव की जानिब से ये प्रोग्राम आज से कुछ वक्त पहले रखा गया था इलेक्शन से के लिए ताल्लुक़ से, तो जिसमें शोभा ताई बच्छाव मालेगांव शहर आए थे और उस इलेक्शन के ताल्लुक़ से उन्होंने हमने उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने इसके ऊपर अच्छी खासी तवज्जो दी। बाद उसके कि आज उन्होंने मालेगांव शहर आके ये साबित कर दिया कि सियासी और इंसानी प्लेटफॉर्म उन्होंने बताया है और साथ साथ समाज के मेमन समाज के लोगों का शुक्रिया अदा किया और उसी के साथ साथ मेमन जमात मालेगांव शहर के तमाम मेमन रहने वाले अराकीन का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने समाज के लिए वक्त दिया, पोलिंग बूथ पे अपना जाके वोट अदा किया और अपना हक अदा किया। इसी के साथ साथ ताई ने भी मालेगांव शहर के तमाम लोगों को, तमाम बिरादरियों को और तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए समाज का भी शुक्रिया अदा किया है और मेमन समाज के लोगों से शुक्रिया अदा की अपील की है।